हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल HQ गेमिंग स्टूडियोज। तो कैसे हैं आप सभी लोग, होप के सब बढ़िया होंगे। तो बस आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कि आप लोग पिक्स आर्ट एप्लीकेशन का यूज करते हुए इस तरह का थंबनेल कैसे डिजाइन कर सकते हैं। पहले भी मैंने ऑलरेडी एक ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, पिक्सल ऐप का है, लेकिन बट वो काफी ज्यादा पुराना है। बट अभी रिसेंटली मैंने एक थंबनेल ट्यूटोरियल बनाया था जिसमें विदाउट एनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम लोगों ने थंबनेल डिजाइन किया था। वो था फोटोपिया के द्वारा, ठीक है, जो कि एक वेबसाइट है जो कि फोटोशॉप का क्लोन वर्जन भी है, ठीक है। आप लोग वहां से अगर डिजाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वो वाली वीडियो देख सकते हैं। अगर आप लोग पिक्सल ऐप से थंबनेल डिजाइन करना चाहते हैं तो आप लोगों को नीचे ट्यूटोरियल दोस्त यूट्यूब चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप लोग उनके चैनल का विजिट करेंगे तो आप लोगों को वहां पे पिक्सल ऐप पर थंबनेल ट्यूटोरियल मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जाके वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं उनके चैनल पर, तो सपोर्ट हिम। बाकी हम लोग चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, बट लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर क्लिक कीजिएगा और अपने दोस्तों का जरूर शेयर कीजिए इस वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा गाइस, सबसे पहले आप लोगों ने इस तरह का थंबनेल डिजाइन करने के लिए आप लोगों ने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना, ठीक है। जैसे आप लोग ओपन करेंगे तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। सो आप लोगों ने जस्ट प्लस के ऊपर क्लिक करना है। सो एंड प्लस के ऊपर क्लिक करने के बाद ये जो आपको ब्लैक कैनवास नजर आ रहा है, ब्लैंक, ठीक है, ये ब्लैंक कैनवास नजर आ रही है, इस पर क्लिक करना है तो आप लोग इस तरह की एडिटिंग पेज पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। अब मैं अपने मोबाइल को थोड़ा सा रोटेट करके आप लोगों को बड़ी स्क्रीन पे ऑलराइट। तो गाइस, मैंने अपने फोन की स्क्रीन को रोटेट कर लिया है एंड आई होप कि अब आप लोगों को सब कुछ क्लियरली नजर आ रहा होगा। आई होप कि आप लोग हर एक चीज अच्छे से समझ भी जाओगे। एंड ना गाइस, एक जरूरी बात मैं पहले ही बता दूं आपको कि ये वीडियो जो है वो थोड़ी सी लंबी हो गई है, क्योंकि पूरी डिटेल से मैंने आपको इस वीडियो में समझाया कि भाई थंबनेल में कौन कौन सी चीज यूज करनी है आप लोगों ने थंबनेल को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। अच्छा गाइस, सबसे पहला काम आपने क्या करना है, यहाँ पे बैकग्राउंड इंपोर्ट कर लेना है। अगर आप लोग क्रिकेट गेमिंग के लिए थंबनेल बना रहे हो तो आप लोगों ने यहाँ से ऑनलाइन बैकग्राउंड चूज करना है, या फिर अगर आप लोग ये फोन मेमोरी में है तो आप लोग यहाँ से डाल सकते हो, या फिर अगर आप लोग यहाँ ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक करते हो तो आप लोगों के फोन में जितने भी फोटोज होंगे वो शो हो जाएंगे, ठीक है। जैसा कि मेरा यहाँ पर पड़ा हुआ है बैकग्राउंड, तो मैं यहाँ से बैकग्राउंड उठा के लगा लेता हूँ। क्रिकेट 07 का ये बैकग्राउंड है स्टेडियम, तो यहाँ से क्रॉप करके मैं 16:9 रेशो कर लेता हूँ एंड इसको प्लस के आइकन पर क्लिक करके यहाँ से मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। जूम आउट करने के बाद टू फिंगर्स की मदद से आप लोगों ने इसको ऐसे जूम आउट करना है, ठीक है, एंड जूम इन भी कर सकते हैं, आपको टू फिंगर्स का यूज़ करना है इसके लिए, ठीक है। तो उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों ने बैकग्राउंड पर क्लिक करना है स्क्रीन पर, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों ने इफेक्ट्स को अप्लाई करना है। इफेक्ट्स को अप्लाई करने के लिए सबसे पहला इफेक्ट आप लोगों ने BGW का करना है, ठीक है। BGW का मैं लास्ट इफेक्ट अप्लाई कर देता हूँ, आप लोग कोई सा भी अप्लाई कर सकते हैं जो कि आप लोगों को पसंद हो। तो दूसरे नंबर पर एक और इफेक्ट मैंने अप्लाई करना है, यहाँ पे FX में आ जाना है, ठीक है। FX में आने के बाद आप लोगों ने यहाँ से कोई सा भी इफेक्ट लगा लेना है, जैसे कि मैं ये वाला लगा लेता हूँ या फिर ये वाला, मेरे को ज़्यादा पसंद है तो मैं यही वाला लगा लेता हूँ। थर्ड नंबर में एक और इफेक्ट अप्लाई करना है, तो यहाँ पे मैंने सिंपल में आ जाना है। सिंपल में आने के बाद कोई सा भी आप इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि मैं ये वाला करता हूँ तो अब यहाँ पे बैकग्राउंड कूल दिखने लगा है मेरा, मेरे को ये वाला अच्छा लगता है, ठीक है। अच्छा गाइस, उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, प्लस के आइकन पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे शेप के ऊपर क्लिक करना है। शेप के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर शेप ले लेनी है, उसके बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करना है एंड जूम आउट करके यहाँ से हमने इसको अच्छे से एडजस्ट भी कर लेना है, ठीक है। एंड एडजस्ट करने के बाद हम लोगों ने इसको ब्लैक कलर दे देना है, ठीक है। ब्लैक कलर देने के बाद इसको मैं थोड़ा छोटा कर लूँ पहले। ब्लैक कलर देने के बाद इसकी ओपासिटी को थोड़ा कम करना है, ठीक है। ओपासिटी में जाना है एंड यहाँ पे आप लोगों ने 70% तक कम से कम इसकी ओपासिटी रखनी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे अपना कैरेक्टर ऐड करना है, तो मैं कैरेक्टर्स को ले आता हूँ जल्दी से यहाँ से। यहाँ पे कैरेक्टर को इंपोर्ट कर चुका हूँ एंड आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ remove.bg के ऊपर क्लिक करना है एंड रिमूव बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आप लोग एक ही क्लिक में बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। इतना करने के बाद यहाँ पे आप लोग अगर नोटिस करोगे तो यहाँ पे साइड पे हमारा जो थर्ड कैरेक्टर है वो नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे थर्ड कैरेक्टर को हमने कैसे हटाना है, यहाँ से यहाँ पे कटआउट का ऑप्शन है, यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक करके यहाँ से पर्सन को सिलेक्ट करना है। तो ये देख सकते हैं हमारे दो जो मेन कैरेक्टर थे जो कि शोर हैं फोटो में, वो सिलेक्ट हो गए हैं। अभी जो आधा कैरेक्टर नजर आता वो गायब हो चुका है, ठीक है। एंड यहाँ पे हमने इसको एडजस्ट कर लेना है, तो यहाँ पे मैंने इसको एडजस्ट कर लिया है, ये एडजस्ट हो चुके हैं। अभी इसके पीछे हम लोगों ने लेंस फ्लेयर को ऐड करना है, ठीक है। लेंस फ्लेयर को ऐड करने के लिए लेंस फ्लेयर पर क्लिक करना है एंड यहाँ से एक लेंस ले लेना है, ठीक है। देन उसके बाद आप लोगों ने ये ऐसा मतलब यहाँ पे आके सेट कर देना है। इसके ह्यू को चेंज करना है, यहाँ पे आप लोगों ने ग्रीन रख लेना है, ठीक है। तो ये करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे ऐसे रख के इसके लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ तीन ऑप्शन शो हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से आप लोगों ने मूव टू बैक कर देना है, ठीक है। ऑलराइट, इतना करने के बाद आप लोगों ने यहाँ से रियल क्रिकेट का जो है ना वो लोगो आपने ऐड कर लेना है, ठीक है। बट उससे पहले एक और PNG मैं आपको बता दूँ जिससे हमारा थंबनेल और थोड़ा खूबसूरत दिखेगा। आप लोगों ने स्टिकर वाले ऑप्शन में जाना है, यहाँ से आप लोगों ने ग्रीन लाइट सर्च कर लेना है, ठीक है। ये रहा हमारा ग्रीन लाइट, तो यहाँ पे मैं इसको ले लेता हूँ। ये हमारा विग्नर टाइप है, ग्रीन विग्नर, ठीक है। इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेंगे पहले एंड इसके बाद इसको थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा सा कर लेंगे एंड उसके बाद यहाँ से यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। सो ये इतना करने के बाद हम लोगों ने
प्लस के आइकन पर क्लिक करके अब यहाँ पे रियल क्रिकेट का लोगो ऐड कर लेना है। तो जल्दी से लोगो ऐड कर लेता हूँ। इन्हों लोगो ऐड कर दिए हैं रियल क्रिकेट 22 का और वर्ल्ड कप का, एंड उसके बाद नोटलस मोबाइल का लोगो ऐड कर दिया है। PNG है तीनों, ठीक है। तो अगर आप लोग PNG बनाना चाहते हो किसी भी इमेज का, तो YouTube आप वीडियोस देख सकते हो, नहीं तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो कि किसी भी फाइल का PNG कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, ये जो एशिया कप वाला वर्ल्ड कप का लोगो है इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हम लोगों ने इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेना, ठीक है, एक कोने में, ठीक है। तो इसको एडजस्ट करने के बाद मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ, एंड इसके इफेक्ट्स में जाना है। यहाँ पे इफेक्ट्स का ऑप्शन है, यहाँ पे जाना है, एंड यहाँ पे आर्टिस्टिक नाम का इफेक्ट होगा, इस पे आप लोगों ने क्लिक करना है, एंड यहाँ पे व्हाइट कलर सेलेक्ट कर लेना है, तो ये व्हाइट हो जाएगा, ठीक है। सो इसको यहाँ पे आप लोगों ने लगा देना है, एंड दूसरे नंबर पे आप लोगों ने यानी नोटलेस मोबाइल के लोगो को सिलेक्ट करना है, एंड इसके बाद इसको भी आप लोगों ने ऐसे एडजस्ट करना है, ठीक है। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको भी एडजस्ट कर लेता हूँ। हमारे ये दोनों लोगो सेट हो चुके हैं, बट ये जो नोटलेस मोबाइल वाला है इसके नीचे अगर हम लोग थोड़ा सा शेडो दे दें तो ये थोड़ा उठ के दिखेगा, क्योंकि ये ग्रीन कलर के ऊपर मतलब इतना अच्छे से दिख नहीं रहा है। तो अगर आप लोग इसके नीचे शेडो देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। यहाँ से मैं इन दोनों के साइज को जाना 104 तक कर लेता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे इसका जो शेडो साइज है वो मैं फुल कर लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने ये 104 कर दिए दोनों, उसके बाद इनके एडजस्टमेंट को फुल कर देता हूँ, ठीक है। अब ये थोड़ा अच्छे से दिख रहा है। तो अब हम लोगों ने रियल क्रिकेट 22 के लोगों को थोड़ा मैं क्रॉप कर लेता हूँ, इसे पहले 16:9 कर लेता ताकि ये ज़्यादा स्पेस ना खाए। यहाँ पे रियल क्रिकेट 22 का लोगो मैंने मतलब क्रॉप कर लिया। अब इसको मैं यहाँ पे सेट करने वाला हूँ, तो सेट करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ पहले। तो ये मैंने बड़ा कर लिया जी, और यहाँ पे आ गया अपना रियल क्रिकेट 22 का लोगो। अच्छा, ये जो 22 लिखा हुआ है इसका कलर हमने चेंज करना है, ये जो पिंक कलर में लिखा हुआ है इसका हमने करना है ग्रीन। तो ग्रीन करने के लिए आप लोगों ने इफेक्ट्स में आना है, एंड कलर्स में आ जाना है, ठीक है। कलर्स में आने के बाद कलर रिप्लेस के ऊपर क्लिक करना है, एंड यहाँ से 22 को सिलेक्ट करना है, यानी ये पिंक वाला कलर जब आ जाएगा तो इसको आपने सिलेक्ट करके यहाँ से ग्रीन कर लेना, ठीक है, कुछ इस तरीके से, एंड टिक कर देना, ठीक है। अब ये देखिए हमारा जो रियल क्रिकेट 22 का लोगो था वो ग्रीन हो चुका है। इसका भी आप लोगों ने ऐसे ही शेडो दे देना। सो ये हमारा शेडो भी आ चुका है। अभी क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पे नीचे टेक्स्ट लिखना है। तो टेक्स्ट लिखने के लिए सिंपली आप लोगों ने टी पर क्लिक करना है, एंड देन उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है हाईलाइट्स, ठीक है, हाईलाइट्स, ठीक है। इतना लिखने के बाद उसके बाद आप लोगों ने टिक कर देना है, एंड आप लोगों ने अपना मन मर्जी मुताबिक फॉन्ट चूज़ कर लेना है, ठीक है। तो मन मर्जी मुताबिक फॉन्ट मैंने चूज़ कर लिया है, तो ये है जी हमारा फॉन्ट, हाइलाइट्स मैंने ऐसे लिख दिया है। सो इसको यहाँ पे मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। सो हाइलाइट्स के पीछे जो बैकग्राउंड देना है हमने, वो बैकग्राउंड देना है जी हमने वाइट या ब्लैक, कोई भी आप बैकग्राउंड दे सकते हैं। तो बैकग्राउंड देने के लिए प्लस के आइकन पर क्लिक करके शेप के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। आप लोग टेक्स्ट का बैकग्राउंड भी दे सकते हैं मतलब टेक्स्ट के ऑप्शन में से, बट वो वाला बैकग्राउंड अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए शेप से हम लोग बैकग्राउंड लेंगे, ठीक है। सो शेप ऐड कर लेनी है हमने यहाँ पे, एंड शेप पर क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शन हाइड हो जाएंगे, ठीक है। अभी आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे इसको अपने टेक्स्ट पे एक्यूरेट कर लेना है थोड़ा सा। तो यहाँ पे मैंने एक्यूरेट साइज कर लिया इसका, एंड यहाँ पे मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, ये बराबर आ चुका है। अभी इसका कलर जाना मैंने ब्लैक कर लेना है, एंड इसको लेयर पर क्लिक करके मूव डाउन कर लेना है, ठीक है। सो ये इतना करने के बाद आप लोगों ने इसी शेप की एक कॉपी ले लेनी है, डुप्लीकेट कॉपी, ठीक है। अब आप लोगों ने इसका कलर जो है वो कर देना है वाइट, ठीक है, एंड इसको जो है आप लोगों ने मूव डाउन एंड फिर से मूव डाउन कर देना है, ठीक है, एंड यहाँ से यहाँ पे क्लिक करके इसको हाइड कर लेना है, ठीक है। अभी इसको आप लोगों ने बड़ा कैसे करना है, इसके पीछे बराबर ले जाकर इसको थोड़ा सा बड़ा कर देना है, ठीक है। सो ये हम लोगों ने थोड़ा सा इसको बड़ा कर दिया, ये बड़ा हो जाएगा, फिर से बड़ा करना है, फिर से पकड़ के थोड़ा सा इसको ऐसे बड़ा कर देना है, इसको थोड़ा सा छोटा भी कर लेंगे हम लोग, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इसी तरीके से मैं दूसरे टेक्स्ट भी लिख लेता हूँ। कर दिए हैं नीचे जो मैंने लिखा है फीचर्स, इसका जो है ना बैकग्राउंड मैंने वाइट कर दिया, जैसे कि ऊपर हाइलाइट्स वाले सेक्शन में मैंने बैकग्राउंड को ब्लैक किया हुआ है, एंड टेक्स्ट वाइट है, ठीक है। तो नीचे मैंने जस्ट उसका उल्ट किया है, एंड नीचे वाले में मैंने बॉर्डर लगाया, जैसे ऊपर वाले में बॉर्डर लगाया हुआ है। तो अब नीचे जो कमिंग सून लिखा हुआ है इसके शेडो एंड स्ट्रोक जो है ना दोनों ब्लैक है, ठीक है। एंड यहाँ पे ये जो आपको येलो कलर की रोशनी नज़र आ रही है लाइट से, ये मैंने इसके ऊपर जो है ना लेंस फ्लेयर ऐड करी है, ठीक है, ताकि ये थोड़ा और भी अच्छा कूल दिखे। सो ये थंबनेल हमारा जो है ना मुकम्मल हो चुका है। जब आपका थंबनेल मुकम्मल हो जाए तब आप लोगों ने यहाँ कॉर्नर पे जो एक टिक का ऑप्शन नज़र आ रहा है इस पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है, ठीक है। सो इस पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों का थंबनेल ओके हो जाएगा। बट यहाँ पे अभी भी एक चीज़ बाकी है, वो ये कि आप लोगों ने टूल्स में क्लिक करना है, एंड यहाँ पे AI एनहेंस का ऑप्शन मिल जाएगा। ये प्रोसेसिंग में कुछ समय लेगा, यानी कि तकरीबन कुछ सेकंड्स लेगा, एंड आप लोगों का पूरा फोटो एनहेंस करके दे देगा, ठीक है। ये देख सकते हैं, अब आप लोगों ने इस वाले को पकड़ के ऐसे खींच के एंड पे ले जाना है, ठीक है। तो इतना ही ले जाना है, यहाँ पे जितने लिखा हो ना बिफोर, इस बिफोर की तरफ लेके जाना है, ये आफ्टर वाला रिजल्ट आ जाएगा पूरा, ठीक है।
सो ये ट्रेंड इसकी जो 70% है आप लोगों ने इसको खींच के 100% पे कर देना, ठीक है। इसको 100% पे करेंगे तो आप लोग का थंबनेल जो और भी मतलब फुली तौर पर एनहेंस हो जाएगा, एंटिक कर देना, ठीक है। अब देख सकते हैं आप लोग का थंबनेल कितना बढ़िया लग रहा है देखने में, ठीक है। बाकी आप लोग चाहो तो पीछे यहाँ पे आप लोग जो है हाफ टोन इफेक्ट वगैरह लगा सकते हो। हाफ टोन इफेक्ट क्या होता है वो आप लोग गूगल पे सर्च करके चेक कर सकते हो, ठीक है। वो जो मतलब डॉट्स होते हैं छोटे छोटे। सो आई होप आप लोग को आज का ये वाला थंबनेल ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। बाकी लास्ट में आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन नजर आ रहा है, यहाँ पे आप लोगों ने इसको क्लिक करके सेव कर लेना है, ठीक है। सो मैंने क्लिक किया तो ये हमारा जो थंबनेल है वो सेव। तो आई होप यार गाइस कि आप लोगों को आज का ये वाला ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। ये थंबनेल हमारा जो गैलरी में सेव हो चुका है। तो भाई यार थोड़ी मेहनत लगी है वीडियो बनाने में, मतलब स्प्लिट्स कट्स वगैरह लगाना बहुत मेहनत लगी है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज यार सपोर्ट करना, लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर दबा के रखना। इन फ्यूचर में आपको अच्छी क्रिकेट गेमिंग अपडेट्स मिलते रहेंगे इस चैनल पे। एना भाई हरीश भाई का चैनल जरूर से सब्सक्राइब करना। ट्यूटोरियल दोस्त चैनल का नाम है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना लिंक मेंशन किया गया है एंड उनके दूसरे चैनल का लिंक भी आपको मेंशन मिल जाएगा, थंडर गेमिंग नाम है उस यूट्यूब चैनल का। सो दोनों चैनल को जरूर से सपोर्ट करना, जाके आपको वहां पे भी अच्छे अच्छे कंटेंट्स देखने को मिलते रहते हैं। सो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू और टेक केयर गाइस।